हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गैस इन लिक्विड सॉल्यूशंस एंड हेनरी लॉ यहाँ पर एक कंटेनर है जिसमें एक गैस लिक्विड की सरफेस पर इक्लिब्रियम में है और यहाँ पर एक डायनेमिक इक्लिब्रियम स्टैब्लिश्ड है अब अगर हम इस इक्लिब्रियम को डिस्टर्ब करें बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर तो ये जो पिस्टन है इसको अगर हम नीचे ले जाएंगे तो प्रेशर ऑफ़ सिस्टम इंक्रीज हो जाएगा अब देखते हैं इस इंक्रीज प्रेशर के कारण क्या होता है इस इंक्रीज प्रेशर के कारण जो गैस के मॉलिक्यूल्स पहले लिक्विड की सरफेस से ऊपर थे वो अब ज़्यादा डिजोल्व हो गए हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं गैस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन साइड सॉल्वेंट आर लेसर इधर वो इंक्रीज हो गए हैं तो आई कैन से सॉलिबिलिटी ऑफ गैस हैज इंक्रीज इन लिक्विड बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन प्रेशर इसी चीज को हेनरी ने एक लॉ के रूप में दिया उसने कहा द सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट अब दर्फेस ऑफ द लिक्विड और दल्यूशन यहां पर एक लिक्विड गैस सिस्टम इक्लिब्रियम में है अगर इसके ऊपर प्रेशर इंक्रीज किया जाए तो हम देखेंगे नंबर ऑफ गैसेस पार्टिकल जो कि सॉल्यूशन में डिजॉल्व है वो इंक्रीज हो गए हैं इसी चीज़ को हेनरी ने बोला डैट पार्शियल प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मोल फ्रैक्शन ऑफ दी गैस प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाए तो हम लिख सकते हैं पी इज इक्वल टू के एच काई के एच को हम बोलते हैं नरीज लॉ कॉन्स्टेंट एंड पी इज दार्शल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेस दैट मीन्स जो गैस के पार्टिकल्स अबव दल्यूशन है उसका पार्शल प्रेशर एंड काय द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन सोल्यूशन दैट मीन्स जो गैस के पार्टिकल्स यहाँ सोल्यूशन के अंदर डिजॉल्व है उनका मोल फ्रैक्शन इस फॉर्मूले को एक बार और अच्छे से देख लेते हैं जो पार्शियल प्रेशर है वो गैस का वेपर फेस का प्रेशर है डैट द गैस पार्टिकल्स विच आर नॉट डिजॉल्व इन दल्यूशन और जो काई है वो गैस का सॉल्यूशन के अंदर डिजोल्व फेस में मोल फ्रैक्शन है के एच जो कि हेनरीज लॉ का कॉन्स्टेंट है वो नेचर ऑफ गैस एंड टेम्परेचर पर डिपेंड करता है अगर किसी गिवन प्रेशर या कॉन्स्टेंट प्रेशर पर एच की वैल्यू हम इंक्रीज कर दें तो सॉलिबिलिटी काई डिक्रीज़ हो जाएगी इसको इस तरह से समझते हैं प्रेशर कांस्टेंट है अगर एच की वैल्यू आप इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर कांस्टेंट रखने के लिए काई की वैल्यू कम हो जाएगी डैट मीन्स सॉलिबिलिटी कम हो जाएगी अब अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करें तो केच इंक्रीज होता है जिसका मतलब है कि सॉलिबिलिटी कम हो जाएगी इसका एक और मतलब है अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर देंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी इसका एक रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देखते हैं आप सभी ने एक्वेटिक एनिमल्स तो देखे ही होंगे जो पानी और समुद्र के नीचे रहते हैं अब हमें पता है टेम्परेचर डिक्रीज करने के साथ सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है दैट मीन्स जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होगी वाटर के अंदर वो लो टेम्परेचर पर ज़्यादा होगी इसका मतलब है जो ये एक्वेटिक एनिमल्स हैं इनको लो टेम्परेचर पर पानी के अंदर ज़्यादा कंफर्टेबल लगेगा इसको एक और तरीके से समझिए कभी भी आप देखेंगे पानी में ऊपर की सतह पर कोई एनिमल आपको तैरता हुआ नहीं दिखता सारे एक्वेटिक एनिमल्स नीचे दिखते हैं पानी की सतह से क्यों क्योंकि पानी की ऊपरी सतह जल्दी गर्म हो जाएगी और जो नीचे की सतह है वो देर से गर्म होगी दैट मीन्स नीचे की डेप्थ पर टेम्परेचर कम होगा तो सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस ज्यादा होगी सो एनिमल्स विल गेट सफिशियंट ऑक्सीजन टू ब्रीथ एंड दे विल बी मोर कंफर्टेबल अगर हम किसी भी गिवन सिस्टम में पार्शे प्रेशर पी एंड काई का कर्व प्लॉट करें तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है और इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप होगा एच के बराबर पिच हेनरीज कॉन्स्टेंट अब हम हेनरीज लॉ का एक एग्जाम्पल देखते हैं अब सभी ने कोल्ड ड्रिंक तो पी होगी यहां पर हमारे पास दो कोल्ड ड्रिंक हैं। एक कोल्ड ड्रिंक रूम टेम्परेचर पर है और एक कोल्ड ड्रिंक ठंडी है आपको पता है कोल्ड ड्रिंक के अंदर सीओ टू डिजॉल्व होती है अब हम देखते हैं जब आप कोल्ड वाली कोल्ड ड्रिंक को ओपन करेंगे तो क्या होता है और जब रूम टेम्परेचर वाली कोल्ड ड्रिंक को ओपन करेंगे तो क्या होगा अब देखिए जब आप ठंडी वाली कोल्ड ड्रिंक को ओपन करेंगे तो इस केस में जो गैस के बबल्स हैं वो आप देख सकते हैं सरफेस पे आ गए हैं अब हम रूम टेम्परेचर वाली कोल्ड ड्रिंक को ओपन करते हैं जब इसको ओपन करते हैं तो आप देखेंगे किस प्रकार से गैस के बबल्स निकल रहे हैं यहाँ पर आपने देखा कि गैस के बबल्स ज्यादा है कंपेयर टू दी ठंडी वाली कोल्ड ड्रिंक दैट मींस हम कह सकते हैं इस केस में लेस सीओ टू है क्योंकि सारी गैस बाहर आ गई है और ठंडी वाली कोल्ड ड्रिंक के केस में ज्यादा सीओ टू डिजॉल्व है क्योंकि कम बबल्स हमें ऊपर दिख रहे थे इसी कारण से जब आप एक ठंडी कोल्ड ड्रिंक पिए तो उसका स्वाद अलग लगता है और एक रूम टेम्परेचर वाली कोल्ड ड्रिंक पिए तो उसका स्वाद थोड़ा मीठा लगता है क्योंकि इसकी गैस बाहर निकल गई होती है हेनरीज लॉ का एक और एप्लीकेशन स्कूबा डाइविंग इन वाटर में दिखती है जब डीप सी में डाइवर होता है तो प्रेशर बहुत हाई होता है हाई प्रेशर के कारण सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन ब्लड इंक्रीज कर जाती है हम जो एयर ब्रीथ करते हैं उसके अंदर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस होती है तो उनकी सॉलिबिलिटी ब्लड में बढ़ जाती है अब जब ये डाइवर वापस सरफेस पे आता है यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लेवल पे आता है तो सॉलिबिलिटी कम हो जाती है क्योंकि प्रेशर कम होता है इस कारण से सडन चेंज इन सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन ब्लड्स एक कंडीशन डेवलप हो जाती है जिसे बेंड्स कहते हैं बेंड्स में जोड़ों में या कि बॉडी के जॉइंट्स हैं उनमें बहुत तेजी से दर्द होना चालू हो जाता है। हेनरीज़ लॉ का एक और एप्लीकेशन रियल लाइफ में हमें गर्म पानी और ठंडे पानी में देखने को मिलता है जो गर्म पानी होता है उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है इसके कारण से इसमें जो एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं उसकी सॉलिबिलिटी कम होती है और जो ठंडा पानी होता है क्योंकि उसका टेम्परेचर कम होता है तो उसके अंदर एटमॉस्फेरिक गैसेस ज़्यादा डिजॉल्व होती हैं अब दोनों केसेस में क्योंकि सोलिबिलिटी ऑफ गैसेस डिफरेंट है तो पानी का टेस्ट भी हमें अलग अलग लगता है